सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग ने इंडिया के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A22 को लॉन्च कर दिया। तो ये दो वेरिएंट के साथ बाकी कंट्रीज़ में लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडिया के अंदर आप लोगों को एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 4G वेरिएंट, और इसमें भी आप लोगों को एक वेरिएंट लॉन्च किया जो कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग सैमसंग ने इंडिया के अंदर रखा है 18,500 रुपीज़। नो डाउट प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, थोड़ा प्राइसिंग कम होना चाहिए था। देखते हैं सैमसंग आने वाले दिनों में कितना यहाँ पर डिस्काउंट और कितना हमें प्राइस कट देखने को मिलता है इस नए स्मार्टफोन के साथ। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंचेस का एक HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90Hz का आप लोगों को रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। अब 18,500 रुपीज़ में आज के टाइम में आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग HD+ दे रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न सैमसंग ही बता पाएगा कि क्यों सैमसंग यहाँ पर फुल HD नहीं दिया, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 6.4 इंचेस का डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने से ना डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी बढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी इतना महंगा फ़ोन है तो एटलीस्ट फुल HD डिस्प्ले तो हमें देना चाहिए ही था। 6GB रैम 128GB का स्टोरेज मिल जाएगा। मीडियाटेक का G80, अब मीडियाटेक का G80 आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में आप लोगों को 10,000 के नीचे के स्मार्टफोन में भी मिलता है, लेकिन सैमसंग का यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा है वह है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को मैक्रो लेंस मिल जाएगा, और 13 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। एंड्रॉयड का 11 मिलेगा, सैमसंग का One UI 3 यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिलेगा, हालांकि जो फ़ोन है ये 25W के चार्जर तक सपोर्ट करता है, लेकिन आप लोगों को बॉक्स में 15W का ही चार्जर मिलेगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा लेके लगा सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट बॉक्स में भी आपको 25W का देना चाहिए था, क्योंकि फ़ोन का दाम 18,500 रुपये से तो डेफिनेटली सैमसंग थोड़ा सोच के यहाँ पर ये सब काम करना चाहिए था, क्योंकि 18W का चार्जिंग आज के टाइम में अगर मैं सच बोलूँ तो कोई 15W का चार्जिंग आज के टाइम में कोई फास्ट चार्जर तो है नहीं। आज के टाइम में लगभग 30W तो नॉर्मल हो गए, एटलीस्ट 25W तो सैमसंग को यहाँ पर देना ही चाहिए। ओवरऑल देखिए फ़ोन अच्छा ही है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, और सैमसंग का जो अपना रहता है सैमसंग पे NFC ये सभी आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ इस फ़ोन की प्राइसिंग 15,000-16,000 रुपीज़ के आसपास ही होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए और लोगों को पसंद आएगा उसके लिए मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आया 18,500 रुपीज़ में? तो प्राइसिंग को छोड़ दीजिए, मतलब फ़ोन कैसा लगा आप लोगों को ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।